दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि स्कूल आपके कब से खुलने वाले हैं, क्या क्या गाइडलाइंस होंगी जारी की गई हैं, तो और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है जिससे कि आप स्कूल जा पाएँ। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, आपके जो कॉलेज और स्कूल जो खुलेंगे वो आपके खुलने वाले हैं 21 सितंबर से। ओके, जो लोग कॉलेज और स्कूल जाते हैं उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, 21 सितंबर से स्कूल खुलने वाले हैं। देखिए दोस्तों, 9 से 12 तक की छात्रों छात्र छात्राओं के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि 9 से 12 तक की जितने भी छात्र हैं वो कॉलेज जा सकते हैं, लेकिन उनके माता पिता को एक लिखित चीज़ देनी पड़ेगी जिसमें बताया जाएगा कि इनको स्कूल जाना है, मतलब स्वीकृति माता पिता की लेनी पड़ेगी। ओके, और एक प्रूफ देना पड़ेगा स्कूल वालों को जिससे कि आप स्कूल जा पाएंगे। लेकिन जिन लोगों का मन नहीं है स्कूल जाने का वो लोग नहीं भी जा सकते हैं। ओके, और आवश्यकता पड़ने पर आप कॉलेज भी जा सकते हैं, अगर कोई भी जैसे कि क्वेरीज है सब्जेक्ट से रिगार्डिंग तो आप कॉलेज जा सकेंगे। ओके, और दोस्तों कुछ गाइडलाइंस जारी की गई, जैसे कि आप स्कूल जाते हैं तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और आपकी क्लास में जो बेंचेस होती हैं वो कुछ कुछ मीटर पर दूरी पर रखी जाएंगी। और दोस्तों देखिए, आपको फेस मास्क हमेशा ले जाना पड़ेगा स्कूल में, तभी आप स्कूल में एंट्री कर पाएंगे। ओके, और आपकी जो थर्मल स्क्रीनिंग होती है वो भी आपकी होने वाली है। तो गाइस देखिए, ये थी गाइडलाइंस जो कि जारी की गई हैं। तो जिनको भी कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ओके गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।